नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। टेट सफल, पारा शिक्षकों को मानदेय में 50% की बढ़ोतरी। टेट असफल, पारा शिक्षकों के मानदेय में 40% की बढ़ोतरी। मानदेय में प्रतिवर्ष 3% की वृद्धि भी की जाएगी। पारा शिक्षकों को ईपीएफओ से भी जोड़ा जाएगा। 60 साल की उम्र तक पारा शिक्षक अपनी सेवा दे सकेंगे। टेट असफल पारा शिक्षकों को 3 आकलन परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। आकलन परीक्षा में सफल होने पर मानदेय में 10% की वृद्धि होगी। सामान्य कोटे के शिक्षक के लिए आकलन परीक्षा में पास मार्क्स 45 होगा। आरक्षित कोटे के शिक्षकों के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। आकलन परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाएगी। राज्य के 64,000 पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने पारा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। टेट पास पारा शिक्षकों के मानदेय में 50% की बढ़ोतरी की जाएगी, जबकि बिना टेट वाले पारा शिक्षकों के मानदेय में 40% की बढ़ोतरी होगी। बिना टेट वाले पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा भी होगी। इसमें पास करने के बाद उनके मानदेय में अलग से 10% की बोनस के रूप में बढ़ोतरी होगी। यह 1 जनवरी 2022 से लागू होगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने झारखंड पारा शिक्षक सेवार शर्त नियमावली 2021 के प्रारूप में इसका प्रावधान किया है। नियमावली के प्रारूप पर शनिवार की देर शाम शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और एकीकृत पारा शिक्षकों के साथ वार्ता हुई है। शिक्षा मंत्री ने वेतनमान देने के बजाय मानदेय में बढ़ोतरी का प्रारूप दिया है। इसमें टेट और आकलन परीक्षा पास पारा शिक्षकों की हर साल 3% मानदेय बढ़ोतरी भी की बात कही गई है। साथ ही ईपीएफ के लिए पारा शिक्षकों के मानदेय से राशि काटकर जमा की जाएगी। इस पर पारा शिक्षकों ने नाराजगी जताई है। बैठक में पारा शिक्षकों का साफ कहना है कि उनकी लड़ाई वेतनमान के लिए है, ना कि मानदेय के लिए। पारा शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री से 2 दिन का समय लिया है। इसमें वो संगठन के जिलाध्यक्षों से बैठक कर अपना निर्णय बताएंगे। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संजय दुबे ने बताया है कि पारा शिक्षकों को वेतनमान मिलने की उम्मीद थी। शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल पारा शिक्षकों को सरकारी शिक्षक नहीं बनाया जा रहा है। ऐसे में मोर्चा जिला प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद अंतिम निर्णय लेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।